Greetings and welcome to me and Tarot. And actually, our topic here, आज के दिल की बातें, ठीक है? We have taken three objects over here. पहला ये tarot, second is oracle, and third is love messages. Let's connect to it, and we'll do a quick reading, ठीक है? चलो करते हैं cards की shuffling, okay? चलो. Well, we have to choose a few cards, and that's it. देखते हैं क्या reading आती है, okay? Here we go, okay? चलो. इतने सारे कार्ड्स आ गए 1 2 3 चलो तीन कार्ड्स तो आ गए. आई हैड टू पिक सम अदर कार्ड्स एज वेल. ओके 4 5 6 and 7 8 चलो अब हमने लिए टोटल 8 कार्ड्स. देखते हैं अब क्या रीडिंग आती है. ओके लेट्स गो. ठीक है आई होप यू कुड सी द कार्ड्स. ओके लग तो रहा है कि आपको ये कार्ड्स दिखेंगे. ओके राइट नाउ यू कुड सी देम क्लियरली. यस देखो पहला जो कार्ड है वो है द हैंग्ड मैन. ओके एज यू कैन सी गला थोड़ा सा अभी बैठा हुआ है सो यू कैन रिमेंबर फ्रॉम दैट. ओके सो ये जो कार्ड आपको दिख रहा है दिस इज ऑल अबाउट द हैंग्ड मैन एंड व्हाट यू सी फ्रॉम दिस कार्ड. ओके सी द हैंग्ड मैन का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बातें ऐसी हैं कि ये पर्सन थोड़ा सा उलझा हुआ है लाइक अबाउट टेकिंग अ डिसीजन. ठीक है अब ये डिसीजन किस प्रकार का हो सकता है. मे बी बिकॉज द पर्सन इज नॉट टेकिंग एक्शन. ठीक है तो कोई एक्शन शायद नहीं ले रहा हो या फिर ऐसा हो सकता है कि मे बी इस पर्सन को आगे बढ़ने में इंटरेस्ट तो है लेकिन कैसे करे और क्या करे ये उसको नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है जैसे कोई भी बात हो सकती है जिसके कारण ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा बिजी हो सकता है. आपको बस थोड़ा सा इनको अंडरस्टैंड करना है एंड डू नॉट कीप देम वेट. ओके क्योंकि ये अपना पेशेंस बहुत ही कम टाइम में लूज कर सकते हैं. सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट वन. ठीक है सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है थ्री ऑफ सोर्ड्स. ओके तो थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे हैं एंड दैट्स ऑल अबाउट द जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर साइन और वो भी डायरेक्टली हैंगमैन के बाद. ठीक है देखो इस थ्री ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे जो मतलब निकलता है वो ये कि ये पर्सन जो है वो डर रहा है कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्योंकि या तो उसे फिक्र है कि भाई या तो उसके दिल को चोट पहुंचेगी या तो किसी और के दिल को चोट पहुंच सकती है. ठीक है कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है फ्रॉम आवर लाइफ. ठीक है एंड जब हम वहाँ से कुछ सीखते हैं लाइक पास्ट एग्जांपल हो पास्ट इन्फ्लुएंस हो तो डर लगता है कि भाई वापस से वही हमारे साथ ना हो जाए तो ये एक वजह हो सकती है. हालांकि आपके ऊपर गुस्सा नहीं है आपके ऊपर इनको कोई भी परेशानी नहीं है. द ओनली थिंग इज दैट ये पर्सन प्रिकॉशन ले रहा है ताकि अगर जैसे कि मान लो उन्होंने कोई बात कही आपको ये बात बुरी लगी एंड अगर आपने उनसे दो दिन के लिए सीकर बात करना बंद कर दिया तो ये उनके लिए काइंड ऑफ थ्री ऑफ सोर्ड्स हो जाएगा. नेक्स्ट कार्ड है वो है एट ऑफ सोर्ड्स. वाओ कनेक्शन ऐसा ही बन रहा है जैसे कार्ड्स आ रहे थे. एट ऑफ सोर्ड्स का सिंपल मीनिंग है कि भाई ये पर्सन जो है वो अगेन काइंड ऑफ ब्लाइंड फेथ लेके आगे बढ़ रहा है. ठीक है हाँ आपके ऊपर अगर ये भरोसा करे तो इनको परेशान होने की कोई वजह नहीं है लेकिन क्योंकि ये उनका जेन्युइन एटीट्यूड है कि वो एक चीज़ को जब ध्यान में लेते हैं तो उसी को लेके आगे बढ़ते हैं. ठीक है जैसे अगर लोगों ने कहा कि ये चीज़ सही है तो बस वही कहेंगे तो अगर उनके दिल ने मान लिया कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है तो बस वही फॉलो करेंगे लाइकवाइज. ठीक है नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइन ऑफ सोर्ड्स. बाप रे कनेक्शन तो बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है. कार्ड्स आपके सामने शफल किए नाइन ऑफ सोर्ड्स आ गया थ्री ऑफ सोर्ड्स एट ऑफ सोर्ड्स एंड नाउ नाइन ऑफ सोर्ड्स. ठीक है अ काइंड ऑफ अ नाइटमेयर यहाँ पे हो सकता है. ठीक है नाइटमेयर का क्या मतलब है. देखो कहीं ना कहीं पे ये अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता. ठीक है ऑन द अदर हैंड अगर हम कहें तो ये पर्सन आपको रोते हुए देख नहीं सकता आपकी हार होते हुए देख नहीं सकता आपका जो रिलेशनशिप है आप दोनों का उसको डूबते हुए नहीं देख सकता. कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है इस पर्सन को जो शायद फैमिली रिलेटेड है या फिर कुछ उसके इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन से भरा हुआ हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट अभी फिलहाल तो ये कोई डिसीजन नहीं ले सकता. अगर हम सिर्फ 8 दिन की बात करें तो मे बी यू नो कोई एक बात है जिसके कारण ये थोड़ा सा चिंतित है. ठीक है अब शायद ये चिंता उसके जॉब से रिलेटेड हो सकती है उसके काम से रिलेटेड हो सकती है या फिर किसी और पर्सन के कारण लाइक देयर फैमिली मेम्बर तो उसी कारण वो थोड़ा सा उसमें डूबे हुए हैं कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं अपने मन में ही. नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आ चुके तो पूरी सॉर्ड्स की लाइन यहाँ पे आ चुकी है.
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है, देखो ये पर्सन लड़ने को तो तैयार है, लेकिन कब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? हाउ कम? जब उसे एहसास हो रहा है कि आई नीड टू फाइट विद माय फियर, ठीक है, तो मोटिवेट तो है ये पर्सन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलिटी का अंदाज़ा होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो अगर आप दोनों को पता है, आप स्पेशली अगर आपको पता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है, लाइक फाइनेंसिस इतने नहीं हैं आपके पास, अगर आप घर बसाना चाहें तो शायद इतने फाइनेंसिस नहीं है, फिर फैमिली मेम्बर अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो बताओ उनको, जब ये एक्सेप्ट करेंगे थोड़ा सा सेटबैक होगा, लेकिन फिर तैयार हो जाएगा कि डोंट वरी मैं हैंडल कर लूँगा। ये जो ताकत है ना, वो तब आएगी जब वो रियलिटी को फेस करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आज उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो कार्ड है वो एस ऑफ कप्स, एज यू कैन सी, तो एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये तो साइन है कैसे स्कॉर्पियो पाइसेस का, देखो दैट्स ऑल अबाउट द कनेक्शन। ये आपको कह रहा है कि भाई डोंट वरी अबाउट मी एंड वी कैन लीड टुगेदर, हम दोनों मिलके आगे बढ़ सकते हैं, बस मुझे अपने आप से दूर मत करो, ओके। देन सिक्स ऑफ पेंटेकल्स इज ओवर हियर, ये पर्सन जज नहीं करना चाहता और ना ही जज करता है, ये आपको इनके इस अंदाज से समझ में आ सकता है। यह है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, तो कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि भाई जैसे ही मैंने उनको बात बताई ये पर्सन अपने मन से पलट जाएगा, अपनी बात से पलट जाएगा, या फिर मुझे डिसलाइक करेगा, ऐसा नहीं होता। कुछ पर्सन होते हैं वो डायरेक्टली जज करते हैं, और अगर आपको पता है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्टेड हो तो क्या आपकी लाइफ हैप्पी होने वाली है, आप खुद समझो। ये पर्सन ऑन द अदर हैंड कह रहा है कि डोंट वरी अबाउट इट, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इनफैक्ट मुझे जज नहीं भी करना है, बस मुझे बताओ कि इशू क्या है एंड आई लीड टूवर्ड्स इट। एंड द फाइनल कार्ड ओवर थ्री ऑफ वांड्स, ये पर्सन टोटली आपके ऊपर नजरें टिकाए हुए हैं, जो भी आप कहोगे ये उस प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे। ये है वांड्स यानी कि फायर साइन एरीज लियो सैज, तो फाइनली फायर साइन का कार्ड आ चुका है, एंड वो भी दमदार पेशेंस का, मतलब ये पर्सन पेशेंस रखे हुए हैं। तो अगर ये बात नहीं कर भी रहे हैं, या फिर अगर कुछ कह रहे हैं कि भाई डोंट वरी एवरीथिंग विल बी हैप्पी, इसका मतलब है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, दिस पर्सन विल लीड टुवर्ड्स समथिंग गुड, लेकिन आपको इनका साथ देने की बहुत जरूरत है, ओके। दैट्स ऑल अबाउट द टैरो, और अब देखते हैं कि ओरेकल यहाँ पे क्या कहती है, ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, ही विल चूज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, चलो 6 कार्ड आ चुके हैं ओरेकल से, और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या कहती है फ्रॉम द ओरेकल। ओके, ही वी गो, सारे कार्ड हमें स्ट्रेट ही लेने हैं, कोई भी कार्ड हमें रिवर्स नहीं लेना है, चलो सारे कार्ड स्ट्रेट ही है। देखो पहला जो कार्ड है वो है यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ, सो अगर आप इस पर्सन की तरफ देख रहे हो तो ये उनका एटीट्यूड है कि इस पर्सन को अपनी जिंदगी खुद बनानी है, ठीक है। तो हाँ, आप इनको गाइड कर सकते हो, आप इनको हेल्प भी कर सकते हो, आप इनके साथ भी रह सकते हो, लेकिन क्या करना है ये फाइनल डिसीजन इनका होगा, ये आपको समझना होगा। सेकेंड जो कार्ड है लिसन योर ओन थॉट्स, ये अपने आप को तवज्जो देता है, ऐसा नहीं कि भाई बस आपने कहा इसलिए उन्होंने कर लिया, नहीं, दिस पर्सन विल थिंक 100 times बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। तो मैं कहूँगा कि ये पर्सन साउंड माइंडेड है, ये पर्सन बहकाव में आके कोई भी चीज़ करने वालों में से नहीं है, जो कि आपके लिए काफ़ी सही बात है। थर्ड जो कार्ड है टेक अ स्टेप, यानी कि भाई कोई तो बात करो, कोई तो कृति करो, कोई तो एक्शन करो, हाँ ये पर्सन करेगा, लेकिन थोड़ा सा समय इसको दे दीजिए। जो कार्ड है वैसे येस टू लाइफ, ये कर रहा है, अगर आपको लगता है कि आप दोनों के बीच प्यार है तो हाँ ये पर्सन आपके प्यार को डिनाय नहीं कर रहा, इनफैक्ट कह रहा है कि आई लव यू एंड आई एम बीइंग विद यू, बस आपको इनका साथ निभाने की ज़रूरत है, ये ज़िंदगी के किसी भी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देते। तो अगर इनको मानो मौका मिला गाना सुनने को, गाना सुनेंगे, चाय पीने का मौका मिला चाय पियेंगे, है ना, तो इसी प्रकार से अगर आप इनके ज़िंदगी में हैं तो ये आपको लेट गो नहीं करने देंगे। जो कार्ड है फेमिनिन पावर, This person loves you and believes in the feminine power. चाहे person feminine हो, masculine हो, doesn't matter. ये person respect करता है, ठीक है? And अपने person को या अपने partner को किसी भी हालत में ये अपने से कम नहीं आंकता। कई रिलेशनशिप आपको दिखते हैं कि जहाँ पे masculine जो है या male person कहता है कि I am, you know, वो egoistic होता है, जो भी decision उसका होता है वही final होता है, ये ऐसा नहीं करता। And जो finale card है वो है life is rarely black and white. देखो जिंदगी में हर प्रकार के अनुभव मिलते हैं, ओके, आज आपकी तबीयत ठीक है, कल ख़राब हो गई, या फिर आज फाइनेंसिस बहुत अच्छे हैं, कल बहुत ही बढ़ गए फाइनेंस एक्सपेंसेस, या फिर कल टैक्स बहुत देना पड़ा, तो ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव तो चढ़ते ही है, ठीक है।
एंड फाइनली अब देखते हैं कि लव मैसेजेस हमें क्या कहते हैं. ठीक है, शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. एंड हियर वी गो, देखते हैं क्या है लव मैसेजेस. वन, ओके, एंड हियर वी गो टू, ठीक है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन. ये आ गए हैं सारे कार्ड्स और अब देखते हैं कि क्या है लव मैसेजेस. ओके, लेट्स पुट द कार्ड्स हियर, देखते हैं क्या है कार्ड्स. तो पहला जो कार्ड है वो है आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी. जिस तरह से आप इनको रिस्पेक्ट करते हो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, तो हमेशा रिस्पेक्ट करते रहो. मे बी ये पर्सन या तो फायर साइन का हो सकता है लाइक एरीज लियो सैज, या फिर ये पर्सन हो सकता है मोस्टली अर्थ साइन का लेकिन टोरस वो कैप्रियन. रिस्पेक्ट उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नो मैटर हाउ अदर सी मी, यू मे बी फील स्पेशल. बाकी के लोग कैसे भी उनसे बात करें, इट डजेंट मैटर. अगर आप उनसे बेहतरीन तरीके से बात कर रहे हो तो इनका दिन बन जाता है. तो किसी की भी तरफ ध्यान नहीं देते. टचिंग यू इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर, यू नो. आप इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो एंड द पर्सन ऑलवेज वॉन्ट टू बी विथ यू. आई फील हार्ट वेन आई एम नॉट विथ यू. जब भी आपके साथ नहीं होते तो इनको आधा अधूरा सा महसूस होता है. आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स, द पर्सन वॉन्ट टू हग विथ यू, टू हैव हग विथ यू एंड टू हैव किस विथ यू. ओके, योर फैंटसीज ब्लेंड विथ माइंड एंड फाइनली जो है वो यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ. ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेक्शुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है. मे बी द पर्सन इज वेरी रोमांटिक इज द वे यू आर, बट मोर देन दैट इसको पता है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हो. ये रीडिंग I hope it will resonate.